तो हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूँ हमारे इंडियन मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अभी भी 84% लोग है जो वीडियोस देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपको पूरी इंडियन मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी से अपडेटेड रखूंगा। खैर, बढ़ते हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि है रईस मलिक से रिलेटेड। तो रईस मलिक एक न्यू बाइक लेने वाले हैं जिसकी अनाउंसमेंट राजा डीसी ने खुद की है। उन्होंने बाइक का नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जल्दी रईस मलिक एक और बाइक लेने वाले हैं। बाकी आप क्लिप देख लीजिए। ब्लॉग होने वाला है और रईस की एक और बाइक आने वाली है, बस उसी के लिए कुछ पूछने वगैरह जा रहे हैं। आई होप कि रईस को एक अच्छी सी बाइक मिल जाए यार, तो फिर उसके पास भी दो बाइक्स हो जाएंगी। तो बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि है जानू स्टंट से रिलेटेड। तो जानू स्टंट ने किसी अननोन पर्सन की हेल्प किया जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बाकी आप क्लिप देख सकते हो। क्या करना उसमें? 50 का तेल क्यों, क्या हो गया? पैसे खत्म हो गए हैं? कोई चक्कर नहीं भाई, डलवा लो डलवा लो। 50 का डलवाना, 100 का भैया? भैया 50 का ही बड़ा करते हैं। कहाँ रहते हो अब? मैं न्यू ब्लॉग में भैया। पहुंच जाएगा 50 में? यार 100 का डलवा लो, नहीं पहुंचेगा। खैर, जानू स्टंट्स के इसी व्लॉग में उनकी किसी लड़की के साथ लड़ाई हो गई थी। अगेन मैं क्लिप दिखा देता हूँ। घर वालों को बुलाना ठीक है, पर इसमें भाई आपकी भी तो गलती, आपने भी तो टर्न की। गलती नहीं है, मैं तो नॉर्मल टर्न कर रही थी यार। ना आपने हेलमेट पहनी है, ना आपने हेलमेट पहनी है, आप छपरी मुझे बोल रहे हो। हेलमेट नहीं पहन छपरी हो जाते हैं क्या? तो हेलमेट नहीं पहनते छपरी होते हैं। तो वीडियो में आगे क्या हुआ वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी जानू स्टंट्स की फुल वीडियो, जिसका लिंक मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की जो कि है सल्लू खान व्लॉग से रिलेटेड। तो ये न्यूज थोड़ी हाइपोथेसिस पे बेस्ड हो सकती है। तो थोड़े दिन पहले सक्षम मनाज के चैनल से एक वीडियो आउट हुआ था जिनमें उनके पास एक सुपर बाइक थी। पहले मैं क्लिप दिखा देता हूँ। एंड जिस बंदे ने लिया गाइस, वो अपने ग्रुप का अपना भाई है यार, तो कमेंट करके बताओ किसने ली होगी, क्योंकि अभी इसने रिवील नहीं किया कि बाइक ले ली है, बट आप कमेंट करो कि। तो उन्होंने अपने नए व्लॉग में थोड़ा और रिवील कर दिया कि किस मोटो व्लॉगर की बाइक हो सकती है ये। जेपी की तरफ आया कि जेपी ने बाइक लिया, तो कोई कोई कमेंट कर रहा था अलियान ने लिया, बट यार इन दोनों में से किसी ने नहीं लिया भाई। मतलब हम बता देते हैं, वो ना, मैं बस इतनी हिंट देता हूँ, वो ना मतलब रोड रेज भी करते रहता है, तो अब बता दो गाइस। रोड रेज वाला एक ही मोटो व्लॉगर है हमारा खुद का सल्लू खान व्लॉग्स, तो देखते हैं कितनी देर बाद वो रिवील करेंगे कि ये सुपर बाइक उनकी थी। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट अपडेट की तरफ जो कि है UK07 राइडर से रिलेटेड। तो UK07 ने कंप्लीट कर लिया 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और आई थिंक ही इज द सेकंड मोटो व्लॉगर फ्रॉम इंडिया हु हैज कंप्लीटेड 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। मुंबई का निखिल स्टिल ऑन द फर्स्ट पोजीशन। तो भाई आपको क्या लगता है इंडिया का तीसरा मोटो व्लॉगर कौन होगा जिसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और किसी बिगनर मोटो व्लॉगर को फ्री शॉट आउट चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।